हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता छत्तीसगढ़ से गार्डनिंग विद सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि चीज़ एक है लेकिन काम अनेक। देखिए, यह राख है और यह पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे कि ये फंजीसाइड भी है, इंसेक्टीसाइड भी है और एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। तो इसे कैसे हम पौधों में उपयोग करेंगे और कैसे इसके फ़ायदे हम पा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, यह जो राख है, यह लकड़ी की राख है और आप कंडे की राख भी ले सकते हैं। राख तो कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो वह राख ही होती है, लेकिन कौन सा राख हमारे पौधों के लिए अच्छा है, तो वह है लकड़ी का राख और आप कंडे का राख भी ले सकते हैं। तो इस राख में मैग्नीशियम की मात्रा होती है, पोटेशियम की मात्रा होती है और फास्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे इस्तेमाल कैसे करें, देखिए। सबसे पहले तो राख को हम किसी छन्नी में लेकर के इस तरीके से छान लेंगे और ये जो राख है ये ठंडी समय का है। फ्रेंड्स, मैं स्टोर करके रखी हुई थी और आप भी जब भी आपके पास राख हो, जैसे आप आग जलाते हैं या ठंडी समय आग जलाएंगे, तो आप हमेशा उसे स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए और जब इस्तेमाल करना हो तब आप इसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने छान लिया है और छानने के बाद जो ये कोयले के टुकड़े हैं इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, यह भी हमारे पौधों में उपयोग हो जाएगा। जैसे कि हम कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो उसके नीचे में कंकड़ वगैरह डालते हैं तो उसमें हम कोयले के टुकड़े डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से छानने के बाद में अब पौधों में इस्तेमाल कैसे करें। तो राख जो है भुरभुरी होती है और धूल जैसे यह हवा में उड़ जाएगी अगर हम इसे डालेंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले पौधों को हम नहला लेंगे थोड़ा सा। मैंने देखिए, पहले गीला गीला लग रहा होगा तो ये पानी मैंने डाल लिया है सारे पौधों में और सावरिंग करा दिया है। उसके बाद में इस तरीके से एक एक चम्मच लेकर के सारे पौधों के ऊपर हम छिड़क देंगे इस तरीके से। तो हमारे जो इसको छिड़कने से क्या होता है, तो जो कीड़े लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे पौधों में लगे हुए होते हैं, इंसेक्ट्स, तो उन सारे चीज़ों को भगाने का काम यह राख करता है। इस तरीके से हम जब डालेंगे तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियां लगी होती हैं, पत्ते मुड़ने की समस्याएं आप अक्सर देखते हैं, हमारे पौधे जो हैं उसके पत्ते जो हैं मुड़े मुड़े से दिखाई देते हैं, तो कुछ इंसेक्ट्स का प्रकोप हुआ रहता है जिसके वजह से ये सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। तो जब हम राख को इस तरीके से डालेंगे और पहले से हमने इसमें पानी का स्प्रे किया हुआ है पौधों पर, तो ये चिपक जाएगा, तो हवा चलने पर ये झड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं। इस तरीके से हम पूरे दिन भर इसको छिड़क करके छोड़ देंगे। सारे पौधों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ एक प्लांट्स हैं जिनको जिनमें हमें इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे गुलाब है। गुलाब में ज़्यादा मात्रा में अगर इसे हम इस्तेमाल करते हैं तो गुलाब का जो नेचर है वो फ्लॉरिंग करना बंद कर देता है और बाकी सब प्लांट्स में हम इसे डाल सकते हैं। और बस ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि एक चम्मच दो चम्मच से अधिक राख का प्रयोग ना करें पौधों पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसका जो असर होता है वह वेजिटेबल, देखिए मिर्ची का प्लांट है मेरा और फ्रूटिंग कर रहा है, पूरी तरीके से प्लांट दूसरे प्लांट्स में लदा हुआ है लेकिन फ्रूटिंग बहुत हो रही है। तो मिर्ची के प्लांट हैं, जैसे कि बैंगन के प्लांट है, देखिए मेरे बैंगन का प्लांट थोड़ा पत्ता जो है ऊपर का मुड़ा मुड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये सारे जो वेजिटेबल्स में हैं इन सारे में बहुत अच्छा काम करता है। और टमाटर के प्लांट्स हो गए, देख सकते हैं आप, ये टमाटर मेरे जो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उस पानी में इसके बीज आ जाते हैं, तो मेरे हर गमले में ये प्लांट्स उगाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारों को तो निकाल के मैं हटा देती हूँ लेकिन कुछ एक प्लांट्स को रहने देती हूँ, तो
देखिए ये भी है एक मिर्ची का प्लांट, और सारों में मैं इस तरीके से डाल दूंगी। तो देखिए इस तरीके इस्तेमाल करते हैं। और एक और तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गमलों को हल्की हल्की गुड़ाई करके एक एक चम्मच हम लोग मिट्टी में मिला करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, जैसे कि हम दूसरे फर्टिलाइज़र ये खाद का बहुत अच्छा काम करता है, तो दूसरा फर्टिलाइज़र हम कोई डालते हैं तो हाफ पार्ट मिट्टी हाफ पार्ट खाद हाफ पार्ट रेत, इस तरीके से अधिक मात्रा में हम जो है खाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन राख को हम एक चम्मच या दो चम्मच से ज़्यादा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, और इसे बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि राख का जो पीएच लेवल है वह 9 है और हमारे प्लांट्स को जो मिट्टी चाहिए वो उसका पीएच लेवल 7 तक होता है, तो इसीलिए हमें कम मात्रा में इसको डालना होता है। देखिए सारे जो हमारे प्लांट्स हैं बहुत अच्छे फ्लॉरिंग में आए हुए हैं, और सारे प्लांट्स में इस तरीके से मैं एक एक करके सारे में डाल दूँगी। गुड़हल के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि देख वाइट वाइट मिली बक्स लगे रहते हैं, और बाकी जो प्लांट्स हैं मुड़े मुड़े से होते हैं, दिखाई नहीं देते इंसेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।